पानी खबरों की तफ्लत की तरफ बढ़े और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के नवाही इलाकों समेत मोटरवे पर धुंध के डेरे मोटरवे एम टू लाहौर से शेखपुरा और एम थ्री लाहौर से रचाना तक धुंध की वजह से बंद शहर का कम से कम टेम्परेचर आठ डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर बाईस डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का अम्कान मौसम की मजीदाल जानते हैं मुबीन हैदर से जो इस वक्त लेबर्टरी चौक पर मौजूद हैं जी मुबीन बताइए इस बारे बिल्कुल इसी तरह से है कि मौसम की सूरत हाल इसी तरह से जिसमें हमें देख रहा है कि हमने देखा कि कुछ अर्से से जो है मौसम में तब्दीली खातर खुआ नहीं आती जो सुबह के अकात हैं बहुत सर्द होते हैं रात के अकात बहुत सर्द होते हैं लेकिन दोपहर के वक्त जो है मौसम में गर्मी की प्रॉपर शिदत होती महसूस की जा सकती है क्योंकि जब जब सूरज ताप के साथ चमकता है तो दर्जा हरारत जो है वो प्रॉपर जो है गर्मियों के करीब चला जाता है यानी बाईस डिग्री तक चला जाता है आज भी यही सूरत हाल रहेगी कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो आठ से ज्यादा से ज्यादा जो है वो बाईस डिग्री तक जाने के उनका जाहिर किए जा रहे हैं इस वक्त तो अगर बात करें दर्जा हरारत की तो इस वक्त तो नौ दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर के अवत तक जो है वो बाईस डिग्री तक जाने के उनका जाहिर किए जा रहे हैं लेकिन बात करते चले एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की भी यही सूरत हाल है कि उसमें भी हमें रोज़ की बुनियाद पर इजाफा देखने में आ रहा है क्योंकि मैंने देखा कि बारिशों के जो एक सिलसिला था वो थम चुका है तकरीबन तो फरवरी के स्टार्ट से ही तो अभी बारिशें ना होने के बाद दोबारा से उसमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है क्यों इंडेक्स की अगर बात करें तो तकरीबन सवा दो सौ के करीब जो है वो एक यू नजर आ रहा है उसके अलावा सुबह के और रात के और कांत में धुंध भी जो है वो सामने नजर आती है जिसकी वजह से मोटरवेज को भी बंद कर दिया जाता है तो उनका ये भी कहना है कि कोशिश किया जाए कि बिना ज़रूरत सफ़र से गुरेज किया जाए जो मोटरवेज वगैरह पे जो सफ़र है उसमें जो जितना भी आपको ट्रैवलिंग टाइम होता है उसमें दिन के औवत में सफ़र को तरजीह दी जाए सुबह दस से लेकर शाम छः बजे तक के औकात में कोशिश की जाए कि ट्रैवल किया जाए और रात के और सुबह के औका में खासतौर पर जब धुंध होती है तो कोशिश किया जाए कि ट्रैवल ना किया जाए और इन अवात में जो है मोटरवेज को भी बंद कर दिया जाता है इसके बाद बताना चलूँ कि मैं मैके होगा ये भी कहने कि कोशिश करें कि मास्क इस्तेमाल यकीनी बने वाटर इंटेक ज़्यादा रखें खुराक का इस्तेमाल अच्छे से करें और जो लिबास है उसका भी खास ख्याल रखें कीमत में भी दस रुपए कमी जिंदा होलसेल तीन सौ नब्बे चार सौ पांच रुपए फार्मी अंडे दो रूपए महंगे कीमत दो सौ बासठ रुपए हो गई मार्केट में अंडो की पेटी सात हजार सात सौ चालीस रुपए में फरोख्त हो रही है दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है ब्रायलर और अंडों की कीमतों में मुर्गी का गोश पंद्रह रुपये सस्ता फ़ी किलो कीमत पाँच सौ सत्तासी रुपये हो गई है जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी दस सौ रुपये फ़ी किलो कमी जिंदा ब्रायलर होल सेल तीन सौ नब्बे परचून रेट चार सौ पाँच रुपये किलो फार्मी अंडे दो रुपये फ़ी दर्जन महंगे कीमत दो सौ बासठ रुपये हो गई मार्केट में अंडों की पेटी सात हज़ार सात सौ चालीस रुपये में फरोख्त हो रही है महंगाई के हवाले से अपडेट किया जा रहा है मुर्गी का गोश पंद्रह रुपये सस्ता हो चुका है जबकि जिंदा बराजर कीमत में भी दस रुपये फ़ी किलो कमी है जिंदा ब्राडर होल सेल तीन सौ नब्बे पर रेट चार सौ पाँच रुपये फ़ी किलो है जबकि फार्मी अंडे महंगे हो चुके हैं फार्मी अंडे दो रुपये महंगे कीमत दो सौ बासठ रुपये हो गई मार्केट में अंडों की पेटी सात हज़ार सात सौ चालीस रुपये में फरोख की जा रही है मुर्गी का गोश पंद्रह रुपये सस्ता है जबकि अंडों की कीमत दो रुपये बढ़ चुकी है आपको अपडेट कर रहे हैं फार्मी अंडों और ब्रालर की कीमत के हवाले से मुर्गी के गोश् में कमी है जबकि फार्मी अंडों की कीमत में इजाफ़ा हुआ है दो रुपये का इजाफा है फार्मी अंडों में जबकि मुर्गी के गोश्त पंद्रह रुपये सस्ता है फ़ी किलो कीमत पाँच सौ सतासी रुपये हो चुकी है होल सेल रेट भी कम हुआ है और फार्मी अंडे दो रुपये हुए हैं यूटिलिटी स्टोर भी आवाम को रिलीफ फ्राहम न कर सके आटा चीनी चावल और घी के हसूल के लिए सार्फिन घंटों इंतजार करने पर मजबूर शहरियों का कहना है कि अशिया ज़रूरिया के असूल के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है रिपोर्ट देखिए सस्ते स्टोर्स भी आवाम के लिए आसानियां पैदा ना कर सके सब्सिडाइज आटे चीनी कुकिंग ऑयल और चावल के हसूल के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर यूटिलिटी स्टोर के बाहर भी सार्फिन का रश लगा रहा बुजुर्ग मर्द और खातन बेबसी की तस्वीर बने बैठे रहे यूटिलिटी स्टोर आरोप मुख्तलि ब्रांड्स का कुकिंग ऑयल चार सौ बाईस ऐसी पाँच सौ तेईस रुपए फी किलो तक फरोख किया जा रहा है दस किलो आटे के थैले की, की कीमत छह सौ अड़तालीस रुपए मुकर है सब्सिडाइज चावल तीन सौ पच्चीस और चीनी 109 रुपए फी किलो है सब्सिडी के बगैर चीनी 155 रुपए फी किलो बेची जा रही है शहरियों का कहना है कि सुबह सवेरे ही लाइन में लग जाते हैं तीन से चार घंटे बाद बारी आती है वो तो छह बजे ऐसी खड़ा होना पड़ता है ठीक है सारा दिन खड़े हो या आटा पूछ लो बाजी पता नहीं बाजी पता नहीं सानू तो खुद नहीं पता तानू की दसीए सुबह साढ़े सात बजे आए हैं आटा साढ़े छह सौ मिल रहा है तो तो घी चीनी बस मिलती है यूटिलिटी स्टोर्स पर एक पर एक पूरे माह के लिए बीस किलो आटा और तीन किलो चीनी दी जा रही है गैस की आदम दस्तियाबी के बावजूद होशरुबा बिल गैस के भारी भरकम बिलों ने सार्फिन को परेशान कर दिया सुद्र गैस हरबंसपुरा सब ऑफिस के बाहर शहरी ने शीद नारेबाजी की गैस बिलों ने सार्फिन के होश उड़ा दिए बिजली के बाद गैस भी महंगी सार्फिन हरबंसपुरा सब ऑफिस के बाहर सरापा एहतरीन हाथों में बिल थामे नारेबाजी करते रहे एहतजाज के बाइस कैनाल रोड ट्रैफिक के लिए बंद रही मुजाहरीन का कहना था कि पूरी सर्दी गैस मैसर नहीं थी मगर बिल हजारों रूपए के आ गए घरेलू सार्फिन को कमर्शियल जितने बिल आए हैं मैं पंद्रह दिन घर में भी नहीं था फिर भी मुझे कह रहे की आपका बिल ये है तरतालीस हज़ार रुपया अगर गरीब बंदा है वो जिसकी पे तीस हज़ार रुपये है वो कैसे ये पे करें पिछली दफ़ा आया मेरा आठ हजार रुपए बिल और इस दफ़ा मेरा आया लाख रुपये बिल गुलबर्ग ये गुलबर्ग अलग करें नहीं आप जमा करें जो मर्जी हो जी आपका ये है, चार से है ना वो बनते हैं मुजाहरीन का कहना था कि बच्चों का पेट कहां से पालें इतने भारी बिल कैसे अदा करें अला हुक्म नोटिस लें माफ़िया बेलगाम सब्जियां और फल मुँह मांगे दाम सरकारी रेट लिस्ट में छः सब्जियां और पाँच फल मजीद महंगे लहसन सात सौ अदरक छः सौ पचास प्याज दो सौ अस्सी सब्ज़मिर्च दो सौ पचास टमाटर एक सौ बीस रुपये किलो फ़रोख्त मटर एक सौ सत्तर गोभी बैंगन और टिंडे एक सौ पचास मेथी एक सौ बीस साग और आलू सत्तर रुपये किलो बिकने लगे अनार नौ सौ पचास खजूर छः सौ सेब चार सौ चालीस अमरूद एक सौ साठ रुपये फी किलो में दस्तियाब है दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है सब्जियां और फल सरकारी लिस्ट के मुताबिक महंगे हो रहे हैं लहसन 700, अदरक 650, प्याज 280, सौ अस्सी 250, टमाटर 120 रुपए किलो फरोख मटर 170, गोभी बैंगन और टीले 150, मेथी 120, साग और आलू 70 रुपए किलो बिकने लगे अनार 950, खजूर 600, सेब 440, अमरूद एक सौ साठ रुपए फी किलो में दस्तियाब है दिन दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और सब्जियों के रेट बढ़ते जा रहे हैं सरकारी लिस्ट में इजाफा है तफसी के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से अब्दुल कादिर बताइए इस बारे जी बिल्कुल सरकारी महतनामे में सब्जियों और फलों की कीमतों में दिन ब दिन जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है और आज भी जो है वो सरकारी महतनामे जारी किए गए उसमें सब्जियों की रेलिस्ट में छह सब्जियां महंगी की गई हैं जिसमें टमाटर आज पांच रुपए महंगा करके पचानवे रुपए कर में रुप कर दिया गया मार्केट में टमाटर एक सौ बीस से एक सौ तीस रुपए फी किलो तक क्रोध किया जा रहा है गुजशत रोज प्याज की कीमत में इजाफा किया गया था आज तो टमाटर महंगा कर दिया गया इसी तरह अदरक थाईलैंड पांच रुपए महंगा करके चार सौ साठ रुपये में कर किया गया मार्केट में छह सौ रुपए छह सौ पचास रुपये किलो तक क्रोध किया जा रहा है सर्द में पंद्रह रुपये महंगी करके दो सौ बीस रुपये मुकर की गई है मार्केट में दो सौ पचास रुपये फी किलो तक क्रोध की जा रही है मौसमी सब्जियों में आलू दो रुपए महंगे करके पैंतालीस रुपए हम करे किए गए मार्केट में आलू जो है सत्तर रुपए फी किलो तक क्रोध किया जा रहा है बैंगन पंद्रह रुपये इजाफे के बाद एक सौ दस रुपये हम कर दिया गया मार्केट में बैंगन की क्रोध एक सौ पचास रुपए फी किलो तक की जा रही है इसी तरह दिग्गर सब्जियां जो है उनमें घीया का पांच रुपए महंगा करके एक सौ पैंतीस रुपये अमकर किया गया मार्केट में एक सौ अस्सी रुपये फी किलो तक क्रोध किया जा रहा है फलों की कीमतों जो है वो भी बढ़ रही है सरकारी में जो जारी किए गए उसमें पांच फल महंगे किए गए जिसमें केला दर्जा अवल पांच रुपए महंगा करके एक सौ में क्रोध किया गया मार्केट में केला दर्जा अवल दो सौ से दो सौ बीस रुपए फी दर्जन तक क्रोध किया जा रहा है दर्जा धोम का केला भी महंगा हुआ है पांच रुपए एक सौ तो दस रुपए जो करार किया गया लेकिन क्रोध तो एक सौ पचास रुपए फी दर्जन तक किया जा रहा है अनार पदाना पांच रुपए महंगा करके छह सौ पचपन रुपए में कर किया गया लेकिन मार्केट में दो सौ पचास से नौ सौ अस्सी रुपए फी किलो तक क्रोध किया जा रहा है अमरूद पांच रुपए महंगा करके एक सौ तीस रुपए जो कर किया गया मार्केट में अमरूद की तो फ्रोक जो है वो एक सौ रुपए फी किलो तक की जा रही है किनू पांच रुपए इजाफे के बाद दो सौ बीस रुपये फी दर्जन करा किया गया और मार्केट में किनू जो है वो तीन सौ पचास रुपए फी किलो तक फरोग किया जा रहा है इसी तरह दीकर सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नरकनामों में उनकी कीमतें कुछ और हैं और शहर की परचून बाजारों और शहर की सब मंडियों में शहरियों से जायद उस कीमतें वसूल की जा रही है और उस हवाले से शहरों का यह कहना है सब्जियों और फलों की सरकारी नरकनामे रोजाना जारी किए जाते हैं लेकिन रोजाना ही इन पर अमल दरामद नहीं हो पाता जी शुक्रिया अब्दुल निगरान वजी अला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं इतलात हैं कि नौ मई जैसे वाकियात दोहराने के बारे में गुफ्तू की गई है ऐसी कोई कोशिश की गई तो पहले से ज्यादा रद्दमल आएगा इलेक्शन के बारे में किसी को कोई एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रजू किया जाए निगरान वजी मोहसिन नकवी का गुरु मांग रोड गुलबर्ग का दौरा जदीद मेडिसन वेयर हाउस के तोसी मनसूबे का अफ्त किया इस मौका आरोप ख़िताब में मोहसिन नकवी ने कहा की नौ मई जैसे वाक़ मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता ना ही इसकी इजाजत देंगे ऐसे वाक़ात दोहराने की कोशिश की गयी तो पहले ऐसी ज्यादा रद्द अमल आएगा चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं की नौ मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए इस सिलसिले में मैं आपको बता दूँ अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज करने की कोशिश भी की तो नौ मई का रिएक्शन तो थोड़ा था उसका कई गुना ज्यादा रिएक्शन होगा निगरान वजी अल का कहना था कि इलेक्शन खैर से हो चुके हैं सियासी तरीके से पुरान एहत है इलेक्शन के बारे में किसी को कोई एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रजू किया जाए पोलिटिकल तरीके से एहतजाज करना हर बंदे का राइट है और हक है और उसको वो करना उसको कोई नहीं रोक सकता अगर किसी को इलेक्शन के ऊपर रिजल्ट पे एतराज है तो वो इलेक्शन कमीशन से रुझू करे उसके बाद एक, एक तकलीब के मौका पर निगरान वजी का कहना था कि पंजाब में सालाना चार अरब रुपए की अद्वियात जाया हो रही हैं स्टोरेज के जदीद निज़ाम के तहत अद्वियात को महफूज बनाया जाएगा आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज अलीम खान ख़्वाजा सिदातारट ओन चौधरी समेत अठारह उम्मीदवारों की कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्तें नाकबले समात करार देते हुए खारिज कर दी अदालत ने गुजारों को इलेक्शन से रजू करने की हिदायत कर दी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बा एक सोन्नीस से मरियम नवाज एन एठारह से हमजा शहबाज एन ए इकहत्तर ख्वाजा आसिफ एन एक्सौस से ओन चौधरी समेत कुल अठारह उम्मीदवारों की कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों का ग्यारह सफात पर मुश्तम तहरीरी फैसला जारी कर दिया अदालत ने फैसले में तहरीर किया की कि दरख्वास्त नाकबले समात हैं जो खारिज की जाती है दरख्वात गुजार इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऐसी दरखास्त कर सकता है दरख्वास्त की मौजूदगी या याद मौजूदगी में नतज के मुरतब होने का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा इलेक्शन कमीशन का फैसला इलेक्शन एक्ट के मुताबिक होना चाहिए जस्टिस अली नजफी के रूप रूप उम्मीदवारों की जानव ऐसी मरियम नवाज एन एक्सौस ऐसी मलिक सैफ मलुक खोकर एन एक्सौस ऐसी नतज चैलेंज किए गए थे सत्रह ऐसी ख्वाजा आसिफ एन ए अस्सी ऐसी शाहिद उस्मान एन ए सतासी ऐसी मलिक शाकिर बशीर एवान की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की गयी पी पी एक सौ सड़सठ ऐसी इरफान शेफी खोकर पीपी उनहत्तर मलिक खालिद खोकर पीपी छियालीसल इकर पी पी सैंतालीस ऐसी चौधरी मोहम्मद मनशा पी पी त्रिपल ऐसी राना अब्दुल सत्तार और पीपी पी एक सौ सत्तर के इंतजामी नतयज भी चैलेंज किए गए थे दरख्वास्त गुजारों का मौके था की रिटर्निंग अफसरान ने इनकी अदम मौजूदगी में नतयज को तैयार किया दौरान इसमात मरियम नवाज के वकील आजमजे तार ने इन दरख्वास्तों की मुखालिफत की और कहा की ये दरख्वास्तें काबिल समात ही नहीं है दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन ऐसी रजू करने चाहिए इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया की जिन दरख्वास्त गुजारों ने लाहौर हाई कोर्ट ऐसी रजू किया ये दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन ऐसी भी रजू कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन में सौ ऐसी हल्कों के नात के खिलाफ दरख्वास्तें आ चुकी हैं। लिहाजा है लिहाजा इन दरख्वास्तों को खारिज किया जाए अदालत ने तमाम दलाल सुनने के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए अठारह हल्कों ऐसी नतयज के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी और दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन ऐसी रजू करने की हिदायत कर दी आम इंत में नाकामी के असरात दो बड़ी शख्सियात अपने अहदों से मुस्फी इस पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन और अमीर जमात इस्लामी हक ने इंत शिकस्त पर इस्तीफ़ा दे दिया जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया आम इंत में जहांगीर तीन की कौमी असम्बली की दोनों हिस्सों से शिकस्त और पार्टी की नाकामी जहांगीर तीन ने जिम्मेदारी कबूल करते हुए पार्टी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया आई पी पी के मुस्ताफी चेयरमैन जहांगीर तीन ने सियासत से भी किनारा कश का ऐलान कर दिया जहांगीर तीन ने अपने ट्वीट में इलेक्शन में हमायत करने वालों का शुक्रिया अदा किया जहांगीर खान तरीन का कहना था की अपने मुखालफी को भी कामयाबी आरोप मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आई पी पी के तमाम मैंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ दूसरी जानब अमीर जमात इस्लामी ने भी इंतबात में पार्टी नाकामी आरोप जमात की क्या ऐसी दे दिया सराजुल्हक ने कहा की भरपूर कोशिश और मेहनत के बावजूद इलेक्शन में जमात इस्लामी को मतलब कामयाबी नहीं दिला सका इस नाकामी को कबूल करते हुए जमात की अमारत ऐसी इस्तीफा देता हूँ सराजुल हक के इस्तीफा के बाद सेक्रटरी जनरल जमात इस्लामी अमीर उल असीमीम ने शुरुआ का हंगामी इजलास सत्रह फरवरी को मंसूर लाहौर कर लिया पंजाब में पीपल्स पार्टी की नाकस इंतबी कारकर्दगी पीपल्स पार्टी को इंतबात में रहनुमाओं की बाहमी मुखासमत ले बैठी कमजोर तनजीमी ढांचा भी मतलूबा इंतबी नतजे हासिल न कर सका पार्टी क्यादत ने नाकस कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली पीपल्स पार्टी की लाहौर समेत पंजाब भर में इंतबाब के दौरान नाकिस कारकरी एन ए एक सौ में बिलावल भुट्टो की इंतबा मुहिम रहनुमाओं की बाहमी मुखासमत की नज़र जेली सुबाई नशितों पर पाँचों उम्मीदवार भी अपनी ज़मानतें जब्त करा बैठे एन ने बावन से राजा परवेज अशरफ के सिवा वसी पंजाब में कोई नशस्त न मिली क्यादत ने एन एक और पंजाब में नाकामी की रिपोर्ट तलब कर ली पीपल्स पार्टी को यूसी तनजीमें ना होने पर इतब में नाकामी का सामना करना पड़ा बिलावल भुटो जरदारी के हल्का एन एक में तंजीमी इख्तलाफा भी इंतबात के नतज असर अंदाज़ हुए पीपल्स पार्टी की क्यादत तहकीकती रिपोर्ट के तनाजर में इंत नाकामियों पर काबू पाने और पंजाब में सियासी मकबूलियत बढ़ाने के लिए मजदूद इकदाम करेगी कौमी असम्बली के एक और सूबाई इसम्बली के चार आजाद अरकान की शहबाज शरीफ से मुलाकात मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान शहबाज शरीफ कहते हैं मुस्लिम लीग नून का अवलिन ऐंडा मुल्क और कौम की मुआशी खुशहाली है सबक वजी आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ऐसी आजाद मंतख होने वाले पांच अरकान इसम्बली की मुलाकात एन ए एक सौ नवासी ऐसी नौ मनखब सरदार शमशीर मिजारी पी पी एक सौ पचानवे ऐसी जीने वाले इमरान अक्रम और पी पी दो सौ चालीस ऐसी फात्या सुहेल खान शामिल पी पी दो सौ सतानवे ऐसी खिजर हुसैन मजारी पी पी दो सौ उनचास ऐसी साहबजादा मोहम्मद गजीन अबासी भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे तमाम अरकान ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ आरोप एतम का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया शहबाज शरीफ ने आजाद अरकान की पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम किया उन्होंने कहा की आपके जज्बे को सराहता हूँ आप मुल्क को संवारने और आवाम को मुश्किल ऐसी निजात दिलाने वाले काफिले का हिस्सा बने हैं पाकिस्तान मुस्लिम लिग नून का अवलीन एजेंडा मुल्क और कौम की माशी खुशहाली है पहले ऐसी भी बढ़ कर आवाम की खिदमत करेंगे नौमनखिब अरकान सम्बली का इस मौके आरोप कहना था की पाकिस्तान को नवाज शरीफ के विजन तजर्बे और तरक्की के एजेंडे की जरूरत है हसन रजा लाहौर न्यूज़